बंदरों के आतंक से जनता परेशान, बुजुर्ग महिला की हुई घायल। वृंदावन में दिनों दिन बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई न कोई व्यक्ति इस आतंक से घायल होता जा रहा है। वृंदावन तीर्थ स्थल जहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी मापदंड प्रशासन के पास नहीं है। बंदरों का आतंक इतना है कि वह श्रद्धालुओं से उनके फोन, पर्स, चश्मा छीन लेते हैं और घायल भी करते हैं। आज जब बुजुर्ग वृद्ध महिला अपने पति के साथ मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग से जा रही थी, तभी अचानक बंदर ने वृद्ध महिला पर धावा बोल दिया, जिसके चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही महिला का पुत्र घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को अस्पताल ले गया और उपचार शुरू कराया। युवक के अनुसार इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? क्या हुआ जो एक्सीडेंट हुआ? अभी मतलब गाड़ी जा रही थी यहाँ से, वो तो बंदर आया, बंदर इसी सिर पे उनके गिरा, वो नीचे गिर गई, उनके सिर पे चोट आ गई, सुन हो गए पूरा। फिर उनको होश में आया, पानी वहीं डाले तो होश में आया, तो होश में नहीं आई, अब ऊपर में हॉस्पिटल गए। उनकी लगभग मुझे मेरे आगे मतलब 60 के समथिंग होनी चाहिए। महिला किस गाड़ी में थी? वो प्लेटना गाड़ी थी शायद, प्लेटना थी ना। दो लोग थे? दो लोग तो शायद, तीन लोग थे ना, दो लोग थे। मैं इतना जरूर था कि वो बंदर से गिरी है। अच्छा, बंदर भागते हुए आ रहा था, ऊपर से कूदा था बंदर। क्या क्या नाम है? मेरा नाम महेश शर्मा है। क्या एक्सीडेंट हुआ? क्या हुआ? मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया मेन हाईवे पे, मथुरा वृंदावन रोड पे, और जिसका कोई समाधान नहीं है सरकार पे। दिनों दिन बंदरों से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो चुनाव किस पे लड़ेंगी? बंदरों का क्या करेंगे ये लोग? मरने के लिए छोड़ दिया हमको। पूजा करें, पूजा करें, पूजा तो बंदरों में होगी ना, जंगलों में होगी। आदमी मरे जा रहे हैं यहाँ पे वृंदावन में, क्या करें हम इन लोगों का? जिसका जाता है उसी को पता चलता है, ठीक है ना? कितनी चोट आई है? सर फट गया है, हाथ फट गए, पैर फट गया है, बीपी हाई है। कौन जिम्मेदारी लेगा? इंसानों के लिए जगह नहीं है, बंदर छोड़ रखे है। अभी जो बंदरों को पकड़ने के लिए भी टीम लगाई गई है, कोई बंदरों को पकड़ने के लिए टीम नहीं है। दिखाने के लिए 100-200 बंदर पकड़ लेते हैं, उससे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। पब्लिक को पूछो क्या हो रहा है, कितने मर्डर हो चुके बंदरों के चक्कर में वृंदावन में। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है भैया।